क्वेश्चन एंड रिलेटेड मैथड. तो सबसे पहले यू शुड नो दैट व्हाट इज रेशियो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो. एक एक नाम करके डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले रेशियो की बात करते हैं कि रेशियो क्या होता है. सो एक्चुअल में रेशियो मीन्स द कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज और वी कैन से द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज. जब हम तो सेम काइंड की क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं दैट विल बी द रेशियो. फॉर एग्जांपल कि आप मान लिया आपके फादर और मदर दोनों ही वर्किंग पर्सन हैं. आपके फादर की इनकम कुछ है, आपके मदर की इनकम कुछ है. अब जब हम दोनों की इनकम को कंपेयर करते हैं हम कह रहे हैं व्हाट इज द इनकम ऑफ फादर टू द इनकम ऑफ मदर. देन हम दोनों की सेम चीज दोनों की इनकम को कंपेयर करते हैं. देन दैट विल देन एट दैट टाइम वी विल फाइंड द रेशियो. ठीक है. तो अगर कोई क्वांटिटीज है ए और बी और हमने बोला है कि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है ए टू बी तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. सिमिलर वे है ए इज डिवाइडेड बाय बी. अब ए को दूसरे से डिवाइड कर दो तो जो आपका न्यूमरेटर होता है उससे जो डिनोमिनेटर होता है उसका रेशियो फाइंड आउट होता है. जिसे हम सिंपली लिख सकते हैं ए अपॉन बी. बट आप कहेंगे मैम ये तो फ्रैक्शन है इसे हम रेशियो हमारे कैसे पता चलेगा. तो रेशियो का नोटेशन होता है ये जो टू डॉट्स होते हैं दीज आर द नोटेशन ऑफ रेशियो. जिसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं सेमी कॉलन या सेमी कॉलन नहीं है सेम साइन है जस्ट. तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी. ए रेशियो ठीक है. तो हमें सिंपली डिवाइड करना है एंड हमको पता चल जाएगा कि क्या रेशियो गिवन है. ठीक है. तो उसके हिसाब से अभी एक चीज और देख लीजिए. जिसका रेशियो हम निकालते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एंसिडेंट. ठीक है. जिस जो नंबर आपका जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट. और जो सेकंड टर्म होता है इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट. ठीक है. एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. ठीक है. अभी आते हैं हमारी एक्सरसाइज पर. एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 1 पर. अभी आपसे यह बोला गया है कि द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ अ कार. मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो कार के स्पीड के ट्वाइस है. तो आपको रेशियो में लेना है. तो सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ कार लेट द स्पीड ऑफ कार बी एक्स. तो इस हिसाब से फिर ट्रेन की क्या हो जाएगी क्योंकि ट्रेन के ट्वाइस है तो ट्रेन की हो जाएगी 2x. अभी रेशियो अगर हमें निकालना है तो स्पीड ऑफ कार और वी कैन से स्पीड ऑफ कार और ट्रेन हमें जैसे कि हम ट्रेन टू द कार निकाल सकते हैं कार टू द ट्रेन निकाल सकते हैं बात वही है. बस रेसिप्रोकल हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन. दिस विल बी इक्वल टू एक्स एंड 2x. डिवाइड कर देंगे एक्स से एक्स कैंसिल ऊपर बचा 1 तो 1/2. तो सिंपली हमारा रेशियो क्या आ गया 1:2. ठीक है. इसी तरीके से देखिए सेकंड पार्ट है द नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मेल्स. तो आप क्या करिए आप नंबर ऑफ मेल्स को अगर हम x लेते हैं तो नंबर ऑफ फीमेल क्या हो जाएगा 3x. तो जब हम मेल टू फीमेल रेशियो निकालेंगे तो x / 3x दैट इज 1/3. ठीक है. इसी तरीके से थर्ड पार्ट है आपका नंबर ऑफ गर्ल्स वर्किंग इन एन ऑफिस इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज. ठीक है. मान लिया नंबर ऑफ बॉयज हमने ले लिया थर्ड पार्ट देखिए नंबर ऑफ बॉयज हमने ले लिया एक्स. तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा 2/3x. अभी हमें रेशियो निकालना है तो एक्स अपॉन 2/3 एक्स. एक्स से एक्स कैंसिल की हमारा आया 1/2/3. ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये होल में है इसको हम ले लेते हैं. इस तरीके से हम लिख सकते हैं. इसमें क्या होता है जो लास्ट टर्म्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं बीच वाले दो आपस में. ठीक है. इनका क्या होता है मल्टीप्लीकेशन. तो हमारा आ जाएगा 3/2 दैट इज 3:2. ठीक है. इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है. तो आप इसका सेकेंड और फोर्थ पार्ट दोनों किसमें करेंगे होमवर्क में. क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं. इसमें आपसे बोला है फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. आपको कुछ शेप दी हुई है उसके
हिसाब से आपको फिल इन द ब्लैंक्स निकालने हैं। तो मैं शेप्स नहीं बनाऊंगी, शेप्स के नंबर्स लिख देती हूँ पहले, ठीक है। और इसी तरीके से आपको
पार्ट्स है, पार्ट सेकंड से लेकर पार्ट सिक्स तक आए हो आप सभी कर लेंगे क्योंकि मेजरमेंट्स आपको आते हैं। तो पार्ट सेकंड से लेकर पार्ट सिक्स तक आप अपने होमवर्क में करेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे बोला गया है एक्सप्रेस दीज रेशियोस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ सिंपल रेशियो दिए गए हैं और आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो आपको दिया है पहला वाला 35:140, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको हम लिख सकते हैं 35/140। आप चाहो तो साइड में आप इनका फ्रैक्शन भी कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर, बट हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों 5 से डिविजिबल है क्योंकि डिविजिबिलिटी ये लास्ट वाली डिजिट 5 में 0 होनी चाहिए तो वो हो रही है। तो हम 5 से इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका जा सकता है 5 7 और ये आपका जटेगा 5 2 10 एंड 40 28। अभी आपका कितना है 7/28। अभी बेटा दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 7, क्यों 7 1 7 एंड 7 4 28। तो आपका फाइनल रेशियो क्या आ जाएगा 1:4। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी 35:140 की। इसी तरह इसका एक और पार्ट लास्ट पार्ट जो है वो भी आप देख लीजिए। अभी आपको इसमें बोला गया इक्विवेलेंट, तो जैसे फर्स्ट वाला है 2:3, अभी इसका हमको इक्विवेलेंट
9 अपॉन 15, ठीक है। अभी ये वाला एंड